सुमंत्र ने रथ हांका तो घोड़े राम की ओर देख देख कर हिन घिनाने लगे और घोड़ों की ये दशा देखकर बहुत ही सभी लोग दुखी हो चुके थे। इसकी व्याख्या इस तरीके से है कि राम के वियोग जनित दुख से व्याकुल होकर घोड़ों की दशा देखकर मनी मन जो है निषाद कहते हैं कि जिसके वियोग में पशुओं की यह अवस्था है उसके वियोग में प्रजा और माता पिता कैसे जिंदा रहेंगे कि जब पशु ही इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं राम जी के जाने से। इसी समय राम ने हट पूर्वक सुमंत्र को अयोध्या लौटाया और स्वयं गंगा तट पर आए। गंगा पार जाने के लिए उन्होंने केवट से नाव मांगी किंतु केवट नाव नहीं लाया। वह कहने लगा कि मैं आपका रहस्य जान गया हूँ, सबका विश्वास है कि आपके चरणों की धूल में मनुष्य बनाने की कोई जड़ी बूटी है। आपके चरणों की धूल के स्पर्श से जब शिला जैसी कठोर वस्तु नारी बन गई तो मेरी कम कठोर लकड़ी से बनी नाव का क्या होगा? यदि यह नाव भी कोई मुनि पत्नी बन गई तो मेरी जीविका का क्या होगा? मैं इसी नाव से प्राप्त धन से अपना गुजारा करता हूँ, भरण पोषण करता हूँ, मुझे और कोई काम भी नहीं आता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही नदी पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने चरण धोने की आज्ञा दे दें तो मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। मुझे आपकी और दशरथ महाराज की सौगंध है कि मैं ये सब सत्य कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी क्रोध में आकर मुझे अपना तीर मार दें पर जब तक मैं आपके चरणों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे कृपालु मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के ऐसे प्रेम परिपूर्ण और अटपटे वचन सुनकर करुणामय राम सीता और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे। फिर यहाँ पे इसका विशेष क्या है कि इन पंक्तियों में केवट बड़ी चतुराई से राम के पद प्रक्षालन का सु अवसर प्राप्त करना चाहते हैं और चरण कमल मोरी नाव उड़ाई में हास्य रस का सुंदर उदाहरण है। पद पदुम पखारन लपेट अटपटे में क्रमशः पा और टावरण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। हेरी हेरी ही नाही में अनुप्रास अलंकार है और धुन ही शीस पचिता ही मुहावरेदार भाषा है। यहाँ पे कृपा सिंधु से लेकर ले पार तो इसमें केवट राम से उनके पद प्रक्षालन की विनय करता है। उसकी विनय को स्वीकार करते हुए भगवान राम कहते हैं, केवट की बात सुनकर कृपा के सागर भगवान राम मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे केवट, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। शीघ्र से पानी लाकर तुम पैर धो लो और हमें गंगा के पार उतार दो। कवि कहते हैं कि जिस राम का एक बार ही नाम स्मरण करने से लोग संसार सागर के पार उतर जाते हैं, वहीं राम कृपा करके केवट से गंगा पार उतारने की विनती कर रहे हैं। तो राम के पैरों के नख देखकर देव नदी गंगा प्रसन्न हो गई और केवट राम की आज्ञा पाकर पानी का कटौती पानी भर के लाया और भगवान राम के चरणों को धोने लगा। यह दृश्य देखकर सभी देवतागण प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि इस केवट के समान पुण्य आत्मा और कोई नहीं है, इनको जो ये अच्छा अवसर मिला है चरण धोने का भगवान राम के। तो राम के चरण कमल धोकर चरणामृत पीकर और अपने परिवार को पिलाकर केवट ने अपने पितरों को पार लगाया और प्रसन्नता पूर्वक राम को भी गंगा पार वो ले गए। तो ये इसमें बताया गया है। विशेष में क्या है, तुलसी अनन्य राम भक्त हैं ये इसमें बताया जाता है। उनकी दृष्टि में राम ही सबसे बड़े ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म हैं, जो सभी संसार के सागर को मतलब संसार सागर से सभी को पार लगाते हैं, सभी की नैया पार लगाते हैं और वे ब्रह्म की गरिमा के साथ साथ कृपा के भी आगार हैं। इन पंक्तियों में केवट के माध्यम से तुलसी ने अपनी अनन्य राम भक्ति का भी निरूपण किया है, दिखाया है। फिर है उतरी ठाढ़ बरुदेई। अब इसमें क्या है कि जो केवट है वो राम सीता और लक्ष्मण को गंगा पार उतार देते हैं किंतु राम के पास उन्हें उतराई के रूप में देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वे खाली हाथ ही वन की ओर चले हैं। उसी समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, उस पार से इस पार आकर राम सीता लक्ष्मण और निषाद राज गो गंगा के किनारे रेत पर खड़े हो गए। केवट ने उतरकर राम को साष्टांग प्रणाम किया किंतु राम संकोच में डूबे खड़े हैं कि मैंने इसे कुछ नहीं दिया, यानी कि जो मैंने इनकी नाव से एक जगह से दूसरी जगह पार करी मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को। अपने पति के मन की स्थिति को जानकर सीता ने प्रसन्न होकर अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतार कर उन्हें दे दी। राम ने वह अंगूठी केवट को देते हुए कहा कि हे केवट, तुम यह उतराई ले लो। यह सुनकर केवट व्याकुल हो उठा और कहने लगा, हे स्वामी, आपके चरण धोकर और आपकी सेवा करके आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे तो जन्मों के दुख ही नष्ट हो गए हैं। मैं बहुत समय से लोगों को नदी पार करवाकर मजदूरी ले रहा हूं किंतु आज विधाता ने मुझे बहुत कृपा कर दी मेरे ऊपर, तो आपके अनुग्रह से अब मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जब आप वनवास की अवधि समाप्त कर लौटेंगे तब आप मुझे जो देंगे मैं उसे प्रसाद समझ कर रख लूंगा। और राम लक्ष्मण और सीता के बहुत कहने पर भी केवट ने कुछ नहीं दिया और करुणा सागर राम ने केवट को विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। फिर वहां से वो आगे चल दिए। अब इसमें क्या है कि पिए ही है कि सीए जान निहारी पंक्ति में
जो माता सीता है उनकी पति भक्ति दिखाई गई है। मणि मुंदरी मन मुदित उतारी में माँ वर्ण जो है इसकी आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। केवट के माध्यम से कवि ने अपनी चरम राम भक्ति को भी दिखाया है। बार बार को करुणायतन कहना तुलसी की भक्ति की अतिशयता का द्योतक है और इसी के द्वारा जो मतलब इस तरीके से हम देखते हैं कि तुलसीदास जी कितने बड़े राम भक्त।